तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि 11 जनवरी को हमारे फ्री फायर का न्यू OP38 अपडेट आने वाला है, जिसमें हम लोग को बहुत ही बड़े बड़े और यूनिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीडियो का पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो जरूर से देख लेना। और आज के इस वीडियो में आपको OP38 अपडेट में आने वाले 15 बिगेस्ट चेंजेस यानी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले वाले अपडेट की तरफ। तो गाइस सबसे पहला जो अपडेट निकल के आता है, ये अपडेट हमारे फुल मैप को लेकर। OP38 अपडेट के बाद हम लोगों को फुल मैप में ऐसे कुछ डॉट डॉट करके यहाँ पे मतलब एक स्टोर टाइप का आइकन देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और ये जो स्टोर टाइप के आइकन होने वाला है, ये एक नया लोकेशन होने वाला हमारे फुल मैप में, जिसका नाम होने वाला आर्सेनल। और ये जो आर्सेनल लोकेशन होने वाला है, मतलब ये एक बिल्कुल घर टाइप का, एक बंकर टाइप का दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जाने पर हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लूट मिलने वाली है। मतलब एक स्क्वाड की लूट इसके अंदर बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। और ये जो बंकर, ये जो घर है, ये ऐसे ही ओपन होगा, इसके लिए हम लोगों को एक की यानी एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। और इसकी की हम लोगों को मिलेगी वेंडिंग मशीन में कुछ गोल्ड की मदद से। हम लोग इसका जो चाबी है उसे लेना पड़ेगा, और उसके बाद इसे जाके आप ओपन कर सकते हो और इसके अंदर पूरा लूट कर सकते हो। तो भाई फुल मैप में मतलब एक लूट को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेस्ट चीज लगी मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस नेक्स्ट अपडेट जो होने वाला है, ये होने वाला हमारे पिन बटन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम पे अगर हमें किसी चीज को पिन करना होता है, तो हमें भाई मतलब उसके तरफ ले जाना होता है, स्क्रीन को रोटेट करके ले जाना होता है और फिर पिन करना पड़ता है। बट अपडेट के बाद ये जो पिन वाला फीचर है, इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। अपडेट के बाद ये जो पिन बटन है, इससे आप बिल्कुल एक स्क्रोल की तरह मतलब लेफ्ट टू राइट यहाँ पे स्क्रोल कर सकते हो। गाइस बिल्कुल आप जैसा कि देख सकते हो कि इसे हम लोग अपडेट के बाद यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, अगर कोई भी चीज हम लोग को लेफ्ट में या राइट में, तो हम लोग एक जगह बैठे ही बैठे उसे लेफ्ट या राइट ड्रैग करके यहाँ पे पिन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग यहाँ पे मतलब पिन करने की वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं, बंदा हमें मार के चला जाता है। बट फाइनली हम लोग यहाँ पे पिन बटन को यहाँ पे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ड्रैग करके ही पिन कर सकते हैं आइटम्स को। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट होने वाला हमारा वेपन एडजस्टमेंट्स। वो भी अपडेट आया और हम लोग को वेपन के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिला, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस इस बार हम लोग को वेपन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो M79 लॉन्चर गन है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे इसे थोड़ा सा कम किया जा रहा है, इसका जो पावर है उसे डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और बात करें किन किन गन्स की जो पावर है उसे और भी ज्यादा बेटर और अच्छा बनाया जा रहा है, तो वो गन है G36 स्ट्रॉगन शॉर्ट गन, शील्ड गन। वैसे शील्ड गन तो कुछ काम की है नहीं, आती नहीं है, बट तब भी इनको इसको यहाँ पे ऐड किया है। फिर आता है MAC-10 SMG, फिर यहाँ पे पैराफेल आ जाता है, ऑग है, यहाँ पे M60 है। तो इन सभी गन्स को यहाँ पे OP38 अपडेट के बाद यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा, इन्हें और ज्यादा बेटर और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जाएगा। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट होने वाला हमारे गेम में आने वाले न्यू मोड्स को लेकर। इस बार भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे न्यू मोड्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। टोटल यहाँ पे हम लोग को 7 न्यू मोड्स देखने को मिलने वाले हैं हमारे फ्री फायर में। सबसे पहला मोड है यहाँ पे हेड हंटर, फिर आता है यहाँ पे शॉटगन ब्लिट्स, फिर आता है पिस्टल फरी, जंप एंड ब्लास्ट, स्नाइपर प्रिसिजन, अकिम्बो किंग, मिली मिनेस। तो भाई इतने सारे न्यू मोड्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, और ये सभी मोड्स हम लोग को एल पास्टेलो मैप में देखने को मिलने वाले, जो कि हमारा न्यू मैप है जैसा कि आपको पता है। बाकी देखते हैं ये मोड्स कैसे होने वाले, कितना मजा आने वाला अपडेट के बाद। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट होने वाला हमारे क्लैश स्क्वाड मोड को लेकर। इस बार OP38 में हम लोग को फुल मैप में ज्यादा अपडेट्स और क्लैश स्क्वाड में कम अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे क्लैश स्क्वाड में एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है, और वो अपडेट होने वाला हमारे क्लैश स्क्वाड में आने वाले न्यू बफ्स। ये गाइस बफ का मतलब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो CSR है और जो नॉर्मल हमारा CS है, उसमें हम लोग यहाँ पे न्यू बफ्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सामने 3 बफ है। यहाँ पे जो पहला बफ है वो है ग्लू वॉल डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे जो हमारा डैमेज है ग्लू वॉल्स पे, ये बफ है, ये जो हमारा डैमेज है ग्लू वॉल्स पे वो 150% यहाँ पे बढ़ा देगा। दूसरा बफ है हमारा लाइट एस फीदर, यानी इस बफ में जो हमारी जंप हाइट है वो 30% इंक्रीज हो जाएगी। और हमारा जो तीसरा बफ है वो है हमारा पावर थ्रू, और इससे कुछ ऐसा हो कि आपकी जितनी भी ज्यादा लो HP रहेगी, आपका जो डैमेज आप अपने अपोनेंट को जो डैमेज दोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो मैक्सिमम डैमेज बूस्ट है वो 20% होने वाला है, यानी इस बफ को जब आप यूज करेंगे तो आपकी जब HP कम रहेगी तो नॉर्मल से भाई ये 20% ज्यादा बूस्ट रहेगा, ज्यादा डैमेज जाएगा आपके अपोनेंट को जब आप मारोगे उसे। तो गाइस ये बफ भी काफी तबाही मचाने वाले आगे गेम में। और क्लैश स्क्वाड में हर 2 राउंड के बाद हम लोग को और भी नए नए बफ देखने को मिलने वाले, हर 2 राउंड पे जो बफ है वो चेंज होगा। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट होने वाला हमारे गेम में आने वाले न्यू कैरेक्टर को लेकर। आप में से काफी लोगों को न्यू कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गेम का न्यू कैरेक्टर होने वाला है उसका नेम होने वाला सैंटिनो। और ये कैरेक्टर एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब जादूगर टाइप का कैरेक्टर होने वाला है। इस कैरेक्टर की स्किल ये है कि ये कैरेक्टर अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। जी हां गाइस, ये कैरेक्टर अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल गायब होकर जा सकता है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि इसकी स्किल को आपको 2 बार यूज करना है। आप जैसे पहली बार इसकी स्किल को यूज करोगे तो आपके बॉडी से एक स्टैचू टाइप की स्ट्रक्चर निकलेगी, और जिस लोकेशन में जिधर भी आपको उस स्ट्रक्चर को भेजना है उसकी तरफ आपको उसके एम कर देना है, और वो अपने आप वो जाता जाएगा। इसका कुछ लिमिटेड टाइम है, और फिर जब आप दोबारा इसकी स्किल को यूज करोगे तो वो स्टैचू जिस जगह पर जाके खड़ी हुई
आप वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो भाई मेरे लिए ये जो चीज है ये थोड़ा सा अनफेयर है, मतलब यहाँ पे तुम मतलब गेम को पूरा ही सत्यानाश कर दो। टेलीपोर्ट हो रहा है, कोई दिन उड़ने वाला कैरेक्टर आएगा, कोई दिन टट्टी करने वाला कैरेक्टर आएगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी बिना इलॉजिकल वाले कैरेक्टर्स दे रहे हैं ये लोग। बाकी इस कैरेक्टर को लेकर आप लोग खुश हो या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेस्ट अपडेट होने वाला है, और ये अपडेट होने वाला हमारे फुल मैप को लेकर। अभी के टाइम पे हम लोग जब बीआर रैंक खेलते तो कोई भी रैंडम सा मैप आ जाता है, चाहे बरमूडा रिमास्टर्ड आ जाता है, नेक्स्ट ईयर आ जाता है, या बरमूडा आ जाता है, या कालाहारी आ जाता है, कालाहारी सॉरी नहीं आता है, बाकी ये तीनों मैप्स रैंडमली आ जाते हैं। बट इस अपडेट के बाद आप लोग यहाँ पे खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस वाले मैप में यहाँ पे बीआर रैंक स्टार्ट करना है, किस वाले मैप में आपको बीआर खेलना है। जी हाँ गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीआर रैंक वाले सेक्शन में यहाँ पे मैप का सेक्शन आ चुका है, किस वाले में आपको खेलना है। आप सेलेक्ट करो और खेलो इजिली, आपको जिस मैप में खेलना है जो मैप आपको पसंद है। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो ये जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है, और ये अपडेट होने वाला हमारे बाउंटी टोकन स्कैनर एयर ड्रॉप इसका जो लुक है ये अपडेट के बाद चेंज होने वाला है। जी हाँ गाइस अभी के टाइम पे हमारे जो बाउंटी टोकन है स्कैनर है एयर ड्रॉप है ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, बट अपडेट के बाद इनका जो लुक है उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। अपडेट के बाद ये कुछ इस तरह के दिखेंगे और भाई दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। तो यही अपडेट है कि लोडआउट्स का जो इंटरफेस है जो लुक है उसे अपडेट के बाद चेंज कर दिया जाएगा। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट होने वाला हमारे गेम के वॉल्ट सेक्शन को लेकर, जहां हमारे जो बंडल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें वो होती है। और अपडेट के बाद हमारे वॉल्ट सेक्शन में जो बंडल्स है उसमें हम लोग एक फेवरेट ऑप्शन करके एक न्यू सेटिंग देखने को मिलने वाली है, और ये जो सेटिंग है या बोले तो ऑप्शन है ये एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर होने वाली है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास बहुत सारे बंडल्स होते हैं और हमें जो बंडल पहनना होता है वो भाई ढूंढते रह जाते हैं आधा घंटा उसी में टाइम पास हो जाता है। अपडेट के बाद आपके जो फेवरेट बंडल्स है उसमें आप लोग स्टार लगा सकते हो, उससे फेवरेट ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुना आपने, मान लगा कि फेवरेट बंडल है तो उसे आप लोग यहाँ पे स्टार करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से वो जो बंडल है वो बिल्कुल टॉप पे दिखेगा, क्योंकि उसे जो है आप लोगों ने यहाँ पे फेवरेट ऑप्शन में ऐड किया, उसे स्टार में सेलेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो जो बंडल है और जिन जिन बंडल्स पे स्टार लगा हुआ उन्हें फेवरेट ऑप्शन में ऐड करोगे वो बिल्कुल टॉप पे दिखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इजीली अपने फेवरेट बंडल्स को टॉप पे जाके पहन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है ये भी काफी कमाल का होने वाला है, और ये जो अपडेट होने वाला है ये होने वाला हमारे कैरेक्टर सेक्शन को लेकर, जहां पे हम लोग अपना कैरेक्टर है उसे सेलेक्ट करते हैं। तो अभी के टाइम में जब आप कैरेक्टर सेक्शन खोलते हो और जिस भी कैरेक्टर पे क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिक यहां पे सेलेक्ट हो जाता है, बट ऐसा पहले के टाइम पे नहीं था। पहले आप मान लो अगर कोई भी कैरेक्टर देख रहे हो तो उसे इक्विप करना पड़ता था, फिर वो आपके गेम में आता था, फिर वो आपके लॉबी में आता था। बट ये जो चीज है ये पुराने वाली चीज है, इसे हटा दिया गया था, बट फाइनली इस OP38 के अपडेट में ये चीज वापस आ रही है। अपडेट के बाद जब आप कैरेक्टर सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर को इक्विप करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब कैरेक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होगा, जब तक आप उस कैरेक्टर को इक्विप नहीं करोगे वो आपके गेम में नहीं आएगा, वो आपके लॉबी में नहीं आएगा। तो ये भी काफी बढ़िया अपडेट लगी मुझे। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट भी जो होने वाला वो हमारे कैरेक्टर सेक्शन को ही लेकर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर का अपना अपना स्किल है और हर एक कैरेक्टर के पास 3 स्किल स्लॉट होते हैं, जिस स्लॉट की वजह से हम लोग एक ही कैरेक्टर में 3-4 कैरेक्टर के स्किल्स को यूज करके एक साथ खेल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इन कैरेक्टर स्किल के स्लॉट्स को खोलने के लिए आपको गोल्ड या डायमंड यहाँ पे देना पड़ता है, तब जाके ये जो कैरेक्टर स्किल्स की स्लॉट है ये ओपन होती है। बट अपडेट के बाद यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। अपडेट के बाद यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर स्किल का जो स्लॉट है वो ऑलरेडी आपको ओपन देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुना आपने, अभी के टाइम पे हम लोग गोल्ड डायमंड मतलब कितना बर्बाद कर चुके हैं अभी तक, बट भाई यहाँ पे गरीबा वालों ने बिल्कुल वक्त जज्बात बदलते हुए यहाँ पे मतलब इसे बिल्कुल फ्री कर दिया, ये ऑलरेडी आप लोग को ओपन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्री ओपन होगा, ये पहले ही से ओपन मिलेगा। आप आराम से कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट करो, यहाँ पे स्किल लगाओ, फ्री फोकट का खेल लोगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है ये होने वाला हमारे क्राफ्टलैंड मैप को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हर एक अपडेट में यहाँ पे क्राफ्टलैंड में हम लोग को बहुत ही ज्यादा न्यू फीचर स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, और इस बार हम लोग क्राफ्टलैंड में एक बहुत ही भयंकर चीज देखने को मिलने वाली है, और वो चीज होने वाली है मिसाइल। जी हाँ गाइस हमारे फ्री फायर में मिसाइल आने वाला है, मजाक नहीं कर रहा, भले BRCS में नहीं आए बट यहाँ पे क्राफ्टलैंड मैप में एक नया हम लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बिल्कुल मिसाइल की तरह दिखता है, या इसे आप मिसाइल ही बोल सकते हो, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, और जहां तक मुझे लगता है कि इसे आप मतलब इस पे बैठ के आप इसे यूज कर सकते हो क्राफ्टलैंड में, बिल्कुल यहाँ पे मिसाइल चला सकते हो भाई, मतलब एकदम कुछ भी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है ये इस OP38 अपडेट का सबसे बेस्ट, सबसे मतलब बोले तो एकदम खतरनाक, मतलब सबसे सबसे अच्छा अपडेट होने वाला है, और इतना अच्छा मैंने बोला तो आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ तो अच्छा जरूर होगा इसके अंदर। तो वो अपडेट ये है कि OP38 अपडेट के बाद आपको जो फ्री फायर अकाउंट है उसे कोई जल्दी हैक नहीं कर सकता। जैसा बहुत बार होता है कि आपका कोई फेसबुक अकाउंट हैक कर लेता है, या गूगल का अकाउंट ID पासवर्ड यहाँ पे हैक कर लेता है, या आप किसी पे ट्रस्ट करके अपना फेसबुक ID पासवर्ड देते हो, या मतलब किसी स्कैम में फंस जाते हो, जिसकी वजह से जो आपकी ID वो स्कैम हो जाती है, वो हैक हो जाती है। बट इस OP38 अपडेट के बाद यहाँ पे जो हैकर्स स्पैमर्स की जो है यहाँ पे गरीना वालों ने
डंका लगा के रख दिया है। OB38 अपडेट के बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट के यहाँ पे मल्टीपल बाइंडिंग कर सकते हैं। मान लो आपको कोई फेसबुक अकाउंट है तो आप उसे गूगल, ट्विटर और वीके तीनों से बाइंड कर सकते हो, या मान लो आपका कोई गूगल अकाउंट है तो आप उसे फेसबुक, ट्विटर और वीके तीनों से यहाँ पे बाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे बाइंड से ये फायदा होने वाला है कि मान लो आपको कोई फेसबुक अकाउंट हैक कर लेता है, उसका आईडी पास जान लेता है, उसे स्कैम कर देता है, तो आपकी आईडी हैक नहीं होगी क्योंकि आपने उसे पहले से ही तीन जगहों से यहाँ पे बाइंड कर रखा है। तो मान लो अगर आपका किसी ने फेसबुक अकाउंट यहाँ पे हैक भी कर लिया, उसका पासवर्ड भी जान लिया, तो आपका आईडी स्कैम नहीं करवाए क्योंकि आप उसे ट्विटर, गूगल और वीके की मदद से वहाँ पे वापस यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। मतलब भाई वन ऑफ द बेस्ट अपडेट लगा यहाँ पे मुझे। अपने अकाउंट को आप तीन जगह से बाइंड करवा सकते हो। मान लो अगर आपका अकाउंट किसी प्लेटफॉर्म से अगर हैक भी हो गया तो आप बाकी बचे हुए बाइंड अकाउंट से यहाँ पे आप अपना अकाउंट रिकवर करवा सकते हो। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस फाइनली जो सबसे पहला और सबसे जो बेस्ट अपडेट होने वाला है ये हमारे फ्री फायर हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट और सबसे मतलब एक बहुत ही गुड अपडेट होने वाला है। जब से फ्री फायर गेम बना है तब से भाई इसके ऊपर आज तक काम नहीं किया गया था, बट फाइनली यहाँ पे OB38 अपडेट में इसके ऊपर काम किया गया है, और वो चीजें हमारे व्हीकल्स यानी गाड़ियां। जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम पे जब आप लोग व्हीकल यूज करते हो, गाड़ियां चलाते हो, तो भाई उतना मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि जो सेटिंग्स है वो उतनी ज्यादा मतलब मस्त नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। मान लो अगर आप राइट के बटन में क्लिक करते हो, राइट यहाँ पे टर्न मारते हो तो बहुत स्लो टर्न होता है, बहुत धीरे चलती है गाड़ियां। और मान लो आप किसी पहाड़ पे ऊंचाई पे अगर किसी गाड़ी को चला रहे हो तो भाई वो उसकी स्पीड और भी ज्यादा स्लो हो जाती है, और कुछ कुछ गाड़ियां तो भाई हाइट पे चढ़ भी नहीं पाती है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम और दिक्कतों का यहाँ पे सोल्यूशन लेकर फाइनली यहाँ पे गरीना इस वाले अपडेट में आ चुकी है। इस वाले अपडेट में फाइनली यहाँ पे गेम वालों ने यहाँ पे जो व्हीकल्स यानी जो गाड़ियां है उन्हें ऑप्टिमाइज किया है। अपडेट के बजाय आप लोग गाड़ियां चलाओगे, व्हीकल्स यूज करोगे तो उसे चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसे और भी बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है। आपको एक बिल्कुल सुकून मिलने वाला है गाड़ियां चलाने के टाइम। यहाँ पे जो लेफ्ट राइट ये जितना भी प्रॉब्लम है, जितने भी ग्लिचेस थे, उन्हें फाइनली यहाँ पे गरीना वालों ने फिक्स कर दिया इस वाले अपडेट में। और साथ ही यहाँ पे मान लो कोई ऊंचा हाइट है तो वहाँ पे गाड़ियां नहीं चल पाती थी, रुक जाती थी, नीचे गिर जाती थी, बट अपडेट के बाद यहाँ पे चाहे कितना ऊंचा भी पहाड़ी हो, कितना ऊंचा भी हाइट हो, यहाँ पे गाड़ियां चढ़ सकेंगी क्योंकि यहाँ पे जो गेम के व्हीकल्स है उन्हें फाइनली यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया गया। और भाई मुझे तो ये चीज बहुत ही बेस्ट लगी क्योंकि रैंक पुश और खास करके ई स्पोर्ट्स में ये चीज, ये जो गाड़ी वाली चीजें हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फाइनली यहाँ पे गरीना वालों ने यहाँ पे गाड़ियों पे काम किया, व्हीकल्स पे काम किया, उन्हें ऑप्टिमाइज किया है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा खोजना बीजना पड़ता है भाई। तो यार इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक शेयर जरूर से कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। और इन सभी अपडेट्स में से आपको सबसे बेस्ट अपडेट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करें, जरूर से बेल आइकॉन पर सेट कर देना क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।